लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिक्लेयर किया कि फिल्म स्क्रीनिंग से पहले नेशनल एंथम बजाना अनिवार्य नहीं है। फिल्म मेकर मुकेश भट्ट ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, हम फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि राष्ट्रगान की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसे सिर्फ स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही बजाया जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट पार्लर्स में नहीं, क्योंकि वहां इसका अपमान होता है। मुकेश भट्ट ने इस दौरान बातों बातों में सनी लियोनी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, अगर आप सनी लियोनी की फिल्म देखने जा रहे हैं तो कैसे ऑडिटोरियम में नेशनल एंथम बजाया जा सकता है? कोई अन्य फिल्म भी हो सकती है। मुकेश भट्ट ने आगे कहा, एंटरटेनमेंट की जगह पर नेशनल एंथम की गरिमा के साथ समझौता हो गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, क्योंकि इस फैसले से नेशनल एंथम को बहुत सम्मान मिलेगा। मुकेश भट्ट महेश भट्ट के भाई हैं। उन्होंने 1990 में पहली बार विनोद खन्ना स्टार फिल्म जुर्म से प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा था। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, नाजायज, गुलाम और संघर्ष जैसी फिल्मों को मुकेश ने प्रोड्यूस किया है। इतना ही नहीं, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस जैसी हॉरर और कलयुग, गैंगस्टर और तुम मिले जैसी फिल्में भी बनाई हैं। 2016 में उन्होंने बोल्ड फिल्म लव गेम्स को भाई महेश भट्ट के साथ प्रोड्यूस किया था।